मैडागास्कर ने अभी हाल ही में सर्जिकल और केमिकल कैस्ट्रेशन लॉ को ऑथराइज कर दिया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने छोटे बच्चे यानी कि माइनर्स बिलो द एज ऑफ 18 के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म या रेप किया हो। ये लॉ लाया गया मैडागास्कर में बढ़ते रेप केसेस अगेंस्ट माइनर्स के चलते। मैडागास्कर के प्रेसिडेंट एंड्रे रेजोलिना ने ये लॉ 24 जनवरी 2024 को पारित किया, जिन्होंने पहली बार दिसंबर में ये मुद्दा उठाया था और उन्हीं की सरकार ने कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा। अब जब से ये लॉ पास हुआ है इसको काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। मैडागास्कर के इस नए कानून के अगेंस्ट एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे अमानवीय और अपमानजनक यानी कि इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट बताया है। उनका कहना है कि लॉ विक्टिम की सुरक्षा पर फोकस्ड होने चाहिए। उनका ये भी कहना है कि सर्जिकल कैस्ट्रेशन एक प्रॉब्लमैटिक सोल्यूशन है उस इंसान के लिए जो बाद में अपील डालने पर बरी हो जाए। तो इसमें होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति जो एक माइनर के रेप केस में गिल्टी पाया जाएगा उसको सर्जिकल या केमिकल कैस्ट्रेशन फेस करना होगा और उसके साथ जेल टाइम और हैवी फाइन। केमिकल कैस्ट्रेशन में गिल्टी पर्सन को या तो इंजेक्शन या फिर पिल्स के जरिए उनके लिबिडो को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से उनके सेक्सुअल डिजायर्स कर्ब हो जाएंगे और जब तक ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा उनका लिबिडो न्यूट्रलाइज रहेगा और ज्यादातर केसेस में यही पनिशमेंट अपनाई जाएगी। पर जो सर्जिकल कैस्ट्रेशन है वो परमानेंट है, उसका इस्तेमाल सीवियर केसेस में होगा जहां एक 10 साल से नीचे के बच्चे के साथ रेप हुआ हो। इस लॉ को इनैक्ट करने के पीछे का कारण था मैडागास्कर में माइनर्स के बढ़ते सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस। मैडागास्कर की ही जस्टिस मिनिस्टर ने बताया कि बच्चों के बढ़ते रेप के मामलों के कारण ये एक आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा कि 2023 में माइनर्स से रेप के 600 मामले दर्ज किए गए और अकेले इस साल जनवरी में 133 मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे मैडागास्कर पहला देश नहीं है जिसने सर्जिकल और केमिकल कैस्ट्रेशन लीगलाइज किया हो। पेरू, पोलैंड, रशिया और साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज ने केमिकल कैस्ट्रेशन ऑथराइज किया हुआ है। सर्जिकल कैस्ट्रेशन ज्यादा कॉमन नहीं है पर 2020 में नाइजीरिया की ही एक स्टेट कालूना ने सर्जिकल कैस्ट्रेशन ऑथराइज किया और उन लोगों के लिए ऑथराइज किया है जिन्होंने 14 साल से नीचे के बच्चों के साथ रेप किया हो और उसमें वो गिल्टी पाए गए हो। जर्मनी में तो सेक्सुअल ऑफेंडर्स के लिए भी सर्जिकल कैस्ट्रेशन ऑथराइज्ड है। इस लॉ के पास होने के बाद हमारे मन में भी एक सवाल तो आया है, क्या ये नया लॉ काम करेगा? आपका क्या सोचना है इस बारे में हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।